लो बेटा वेजिटेबल सैंडविच खा लो। वाह मम्मी, तुम उसी वक्त आई जब मुझे भूख जोरों से सता रही थी। यह फोन जरूर जोजी का होगा, पहले उसे सुनना जरूरी है। नाश्ता बाद में खा लूंगा। बिल्लू, क्या तुमने क्लास का होमवर्क कर लिया? जोजी, मैं इतिहास और इंग्लिश का होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, बाकी विषय मैं शाम को करूँगा। अब मैं इत्मीनान से बैठकर नाश्ता करूँगा। मेरा सैंडविच, शैतान, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा ताकि फिर कभी तुम मेरा खाना न खा सको। जुबान संभाल के, तुम्हें मेरी गिलहरी को डराने धमकाने का कोई हक नहीं। वह मेरा सैंडविच खा गई है। तो क्या हुआ, कल तुम्हारा कुत्ता मोती मेरा दूध पी गया था। वह दूध खराब था। अब अगर तुम्हारी गिलहरी कुटकुट मेरे घर आई तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। बेटा, तुम सैंडविच की जगह ये समोसा खा लो। ठीक है मम्मी। हैं? वह शैतान कुटकुट फिर आ गई। मोती, उस गिलहरी को दूर तक खड़े के आओ। शाबाश, तुमने एक अच्छा काम किया है। यह लो तुम्हारा इनाम, समोसा, इसे खा लो। ओह मोती, वो शैतान गिलहरी तुम्हारा समोसा लपक कर ले गई। मोती, अपना समोसा उसे छीन कर लाओ। अब वह कभी कुक्कुट को परेशान नहीं करेगा। ओह मोती का सिर पाइप में फंस गया। बेटे जोजी, जरा मेरी बंदूक देना। डैडी, क्या बाहर कोई खूंखार जानवर है? उससे भी ज्यादा बुरा बिल्लू इधर आ रहा है। वह हमारे परिवार का दुश्मन नहीं है, वह हमारा हितैषी है। नहीं, वह हमेशा मेरी कोई न कोई नुकसान करता है। आज मैंने तय कर लिया है कि उसे देखते ही गोली मार दूंगा। कितना अच्छा हो अगर बिल्लू इधर आए ही नहीं, वरना आज उसकी खैर नहीं। कर्नल साहब, बिल्लू अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो उल्टे पाँव चले जाओ। बेटी, बीच में से हट जाओ। सर, आप मुझे मारकर पछताएंगे। क्यों? पहले आप इस फोटो को देख लो। यह फोटो किसकी है? क्या मेरे छोटे भाई की है? देखा, आप इसे नहीं पहचान पाए ना। यह फोटो आपकी है, मैंने सिर्फ रंग से इसके बाल काले किए हैं। मुझे आइडिया आया कि अगर आप हिजाब लगाए तो आप 20 साल कम उम्र के लगेंगे। यही नहीं, जब आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत होगी तो हर कोई आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। बिल्लू, अगर मैं तुम्हें गोली मार देता तो अपने आप को कभी माफ न कर करता। मैं जाकर आपके लिए हिजाब लाता हूँ। कुछ देर बाद लीजिए इस हिजाब को, बालों पर लगाइए और अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाइए। मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए बेदाम हूँ। बच्चों, मैं कैसा लगता हूँ? ए ग्रेट पर्सनालिटी, हर कोई आपको देखकर प्रभावित हो जाएगा। बाजार जाया जाए। वह महिला मेरी तरफ देख रही है, मेरा आकर्षण बढ़ गया है। कर्नल 303, तुम बदले हुए लग रहे हो। कर्नल डायनामाइट, मैंने अपने बाल रंगने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेचुलेशन, आओ गले लग जाओ। हम जंग में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़े थे। हमारी दोस्ती 20 साल पुरानी है। कर्नल, तुम्हारे घटिया खिजाब ने मेरा कीमती शूट खराब कर दिया। आज के बाद मुझसे कभी बात न करना। तुम्हारे घटिया खिजाब के कारण मैं अपना पुराना दोस्त खो बैठा। नट्टू, इस वक्त तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए था। रॉकी, मैं टॉफियां खाने के लिए बाहर आया हूँ। तुमने टॉफियों के रैपर्स कॉरिडोर में फेंक कर इसे गंदा कर दिया है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल मैडम टस्मस इधर से गुजरने वाली है। इससे पहले कि वह कूड़े को देखे, तुम इसे साफ कर दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओह, प्रिंसिपल टस्मस इधर आ रही हैं। मैं टॉफी कहाँ छुपाऊं? बिल्लू, दोस्त लो टॉफी खाओ। नट्टू, यह खुश खुशी में दी, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बिल्लू, टॉफी खा रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मगर मैडम, मेरा पीरियड फ्री है और क्लास से बाहर टॉफी खाना कोई गलत काम नहीं। मगर टॉफी के रैपर्स स्कूल के कॉरिडोर में फेंकना
गलत है। तुम कॉरिडोर से सारा कूड़ा और अपने क्लास का ब्लैक बोर्ड साफ करोगे, यही तुम्हारी सजा है। मैं कहां मुसीबत में फंस गया, इस कूड़ेदान में रैपर्स फेंक दूं, दूसरी सजा ब्लैक बोर्ड साफ कर दूं। बिल्लू कुछ और टॉफियां खाओगे? नहीं, तुम्हारे कारण मुझे ये सजा मिली। मुझे दूसरों को मुसीबत में देखकर खुशी होती है। बिल्लू तुम सफाई अच्छी करते हो, मेरे दूतों से धूल साफ कर दो। यह मेरा काम नहीं है। सोच लो, अगर तुमने मेरा कहना माना तो मैं तुम्हें फिर मुसीबत में डाल सकता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ब्लैक बोर्ड पर दोबारा लिख देता हूँ और प्रिंसिपल से शिकायत करूँगा कि बिल्लू ने इसे साफ नहीं किया। मैडम, मैंने आपके द्वारा दी गई सजाएं पूरी कर ली है। अच्छा होगा अगर आप क्लास में जाकर मुआयना कर ले। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ मेरी आज्ञा का पालन हुआ या नहीं। यह बोर्ड साफ नहीं हुआ। मैडम, यह नट्टू की शरारत है। मैडम, यह झूठा है। बिल्लू ने अपनी सजा पूरी नहीं की। मेरे द्वारा बोर्ड साफ किए जाने के बाद नट्टू ने उसे लिखा है। खामोश, यह नट्टू ने ही लिखा है, क्योंकि पूरे स्कूल में वही एक स्टूडेंट है जो इतने आसान सवाल का जवाब भी सही नहीं दे सकता। तुम्हें सजा दी जाती है कि सारी क्लास के पंखे साफ करो। पापा जी, शहर में एक फोटो प्रतियोगिता हो रही है। बेटा, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है, पर कैमरा कहाँ से आएगा? मेरे पास एक है, वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मोना, वह कैमरा कहाँ रखा है? वह कुछ रोज पहले डी ब्लॉक में नहरे वाले अपने मित्र उपाध्याय जी ले गए थे। बिल्लू, इससे पहले कि उपाध्याय दफ्तर निकल जाए, तुम उनके घर से कैमरा ले लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वह रहा उनका मकान। उपाध्याय अंकल, क्या हमारा कैमरा आपके पास है? हाँ, रुको, मैं अंदर से लाता हूँ। यह रहा, वह पिकनिक पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो खींचे थे। पापा जी, कैमरा तो मिल गया, मगर इसमें सिर्फ एक फोटो के लिए फिल्म बची है। अब तुम अपनी माँ की फोटो खींचो। मम्मी, तुम अच्छे कपड़े पहनकर आओ, मैं मिनटों में अपनी ड्रेस बदल कर आती हूँ। कहो, अब कैसा रहेगा? बहुत खूब, बैकग्राउंड अच्छी नहीं। अगर पार्क में चला जाए तो वहाँ फोटो अच्छी आएगी। ठीक है, आओ वहीं चलते हैं। यह पोज कैसा रहेगा? हिलना नहीं। ओह, वो पक्षी, ये कैसा फोटो आ गया है। फिर भी प्रतियोगिता में भेजने में क्या हर्ज है? दो दिन बाद। बिल्लू, जल्दी बैठो, प्रदर्शनी देखने जाना है, कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। ज्यूरी ने इस फोटो को 10,000 रुपए का पहला पुरस्कार दिया है, क्योंकि इसमें मानव का पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाया गया है। बजरंगी पहलवान, क्या बात है, आज व्यायाम कुछ ज्यादा कर रहे हो? हेलो, शाम को रुस्त में हिंद का दंगल है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ कुश्ती देखने हजारों लोग आएंगे, अगर मैं जीत गया तो 5,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। मारो गोली दंगल को, मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छा काम लाया हूँ। टीवी सीरियल में काम करोगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। उस्ताद, शाही दंगल छोड़कर क्या नौटंकी करोगे? वह चूहा तुम्हें गुमराह कर रहा है। सोच लो, बादशाह का रोल है, लाखों लोग टीवी पर तुम्हें देखेंगे और पैसे भी मिलेंगे। कई दूसरे पहलवान एक्टिंग के क्षेत्र में चले गए हैं, अगर ये मौका चूक गया तो उम्र भर पछताओगे। मगर बिल्लो, मैं तो अनपढ़ हूँ और डायलॉग नहीं बोल सकता। वह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें मजा हुआ एक्टर बना दूंगा। डायलॉग बोलो, मैं बादशाह हूँ, शान से जीता हूँ, मैंने सिर झुकाना नहीं सीखा। मैं एक बादशाह हूँ, शान से? ऐसे नहीं, तुम तो एक गुलाम की तरह सिर नीचे करके खड़े हो। छाती तान कर बोलो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक बादशाह हूँ, शान से जीता हूँ, मैंने सिर झुकाना नहीं सीखा। वाह, आओ डायरेक्टर कारतूस के पास चले। डायरेक्टर साहब, बजरंगी बादशाह के रोल में फिट बैठेगा। डील डॉल तो वैसे ही है, सीरियल में रोल के लिए तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे, क्या मंजूर है? बिल्कुल, जाओ
बादशाह का लिबास पहनकर शॉट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत खूब बजरंगी, तुम रॉबीले लग रहे हो। एक्शन। मैं अपने चेहरे से घबराहट के चिन्ह हटाओ। कट। बजरंगी, दोबारा डायलॉग बोलो, चेहरे पर लौब लाओ, मानो तुम अखाड़े में विरोधी को पटखनी देने वाले हो। मैं एक बादशाह हूँ, शाबाश, मुंह और खोलो, शान से जीता हूँ। ओह, क्या हुआ? मेरे पेट में मधुमक्खियाँ चली गई। मेरी तौबा, एक्टर बनना मेरे बस का नहीं। मधुमक्खियों को पेट से क्यों निकलवाना चाहते हो? जरा सोचो, वे शहद देंगी, तुम्हें चाय में चीनी नहीं मिलानी पड़ेगी। कुत्ता पीठ पर गड्ढा खोद रहा है, वह नाराज है कि उसे खिला नहीं रहे। ठीक है, हम तुम्हें फिल्टर बना सकते हैं, अब तो खुश। बिल्लू, लो आई मेरी गेंद। मोती, भागो, एक अच्छे फिल्टर की तरह गेंद लाओ। शाबाश, लपको उसे। तुमने गेंद लाने में देरी कर दी, इस बीच बिल्लू ने 4 रन ले लिए। हमें बैट्समैन को जल्दी आउट करना है, समझे? यह गई मेरी अगली बॉल। 2 रन तो आसानी से ले सकते हैं। शाबाश, तुमने गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लिया। बेवकूफ, तुमने अपने मालिक को ही आउट करा दिया। बिल्लू, सवेरे ही तुम टीवी ऑन करके बैठ गए। पापा जी, 24 घंटे चैनल इसलिए दिखाए जाते हैं कि जब जी चाहे देखो। फिर मैंने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया और मैं फुर्सत में हूँ। लेकिन सारा दिन टीवी चलेगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, समझे बार खुरदार? बाहर जाकर मनोरंजन का कोई दूसरा साधन ढूंढा जाए। उधर चाचा चौरस का बुक स्टॉल है, वहाँ शायद कुछ पढ़ने को मिल जाए। चाचा चौरस, कुछ पढ़ने को दो, खाली बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। कॉमिक्स कितने की है? बिल्लू, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं वह किताब मुफ्त में दूंगा। बोलो, क्या तुम मेरी जगह या कुछ अखबार घरों में बांट सकते हो? क्यों नहीं, मैं मिनटों में इनके ग्राहकों को देकर आता हूँ। बिल्लू, तुम्हारे हाथ में इतने सारे समाचार पत्र? जो जी, ये बांटने के लिए है। जरा एक इधर देना, मैं इसमें आज की टीवी के प्रोग्राम देख लूँ। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। 15-20 चैनल के फीचर्स देखने में टाइम तो लगता ही है। अभी कितनी देर और लगाओगी? लगे हाथ अपना भविष्यफल भी देख लूँ। धन्यवाद, लो अपना अखबार। महोदय, आपका अखबार। चाटा किस लिए? अखबार 1 घंटा 1.5 से लाने के लिए। अगले मकान पर बाहर कोई नहीं खड़ा, वरना वहाँ भी थप्पड़ खाना पड़ेगा। चुपके से खिड़की से अंदर अखबार फेंक दिया। हैं? खिड़की से धुआं निकल रहा है? तुमने हमारा अखबार जला दिया। बजरंगी पहलवान, उदास क्यों हो? बिल्लू, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी ताकत घटती जा रही है। पहले मैं 5,000 दंड बैठक लगा लेता था, अब मैं जल्दी थक जाता हूँ। मुझे डर है कि कोई पहलवान मुझे हराकर रुस्तम ए हिंद का खिताब हासिल न कर ले। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं वैद्य गंगजान को जानता हूँ, जो तुम्हें ऐसी दवाई देगा जो तुम्हें सुपरमैन बना देगी। वैद्यराज, मेरे दोस्त को शक्तिशाली बनाने वाली दवाई चाहिए। हाँ हाँ, वो आदमी मुझे ताकतवर क्या बनाएगा, वह तो खुद मच्छर है। ऐसे मत बोलो बजरंगी, तुम्हें रुस्तम ए हिंद का दंगल जीतना है या नहीं? सो तो है, ये दवाई मुंह में उनेड़ लो। तुम में परिवर्तन आ रहा है। सामने के दीवार पर उंगली मारो। चमत्कार। बिल्लू, जो तुम कहते थे वह सच निकला, मुझ में असीम ताकत आ गई है। इसी बात पर हैंडशेक करो। ओ, तुमने तो मेरा पूरा जिस्म शेक कर दिया। तुम्हारे गाल पर काटने के लिए मधुमक्खी बैठी है, मैं उसे मार डालता हूँ। जोरदार चाटे से उसका सिर घूम गया। आओ, मुझे रुस्तम ए हिंद दंगल के मैदान पर पहुँचना है। तुम सबके पैसे दुगने हो जाएंगे, बजरंगी की जीत निश्चित है। बजरंगी, आज की कुश्ती पर मैंने 10,000 रूपए की शर्त लगाई है। मैंने 15,000 रूपए की। मैंने 20,000 की। शाबाश, पटक दो, मारो मारो मारो। संभलो, मेरा दाव आया। जीत हरी की हुई। बजरंगी ने वैद्य गंगजान की ताकत की एक खुराक खाई थी, फिर वह कैसे चित्त हो गया? मैंने उस दवाई की डबल खुराक खाई थी। बिल्लू, क्या हाल चाल है? तुमने जवाब नहीं दिया, तुम इतने अभद्र हो गए हो।
बिल्लू जवाब दो। सॉरी जोजी, मैं ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। अगर तुमने इस बार जवाब न दिया होता तो मैं वापस चली जाती। कहो कैसे आना हुआ? क्या किसी हिट फिल्म का वीडियो कैसेट चाहिए? बेवकूफ, मैं अपनी नहीं तुम्हारे काम से आई हूँ। मेरे काम के लिए तुम क्यों तकलीफ करने लगी? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हें छुट्टियों के दौरान कोई काम चाहिए? हाँ, अप एंड डाउन कंपनी में मेरे चाचा डायरेक्टर हैं। मैंने उनसे तुम्हारी नौकरी की बात की थी। तब तो मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, कहीं कोई दूसरा वह नौकरी हथियार न ले। मैं कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। बिल्लू सर, आपने मुझे कैसे पहचाना? जोजी ने कहा था कि जिस लड़के के बालों से आंखें ढकी हो वह बिल्लू होगा। बोलो कैसी नौकरी चाहिए? मामूली नौकरी में मुझे दिलचस्पी नहीं, कोई ऊंची पोस्ट चाहिए। ठीक है। पता नहीं बिल्लू को अंकल ने नौकरी दिया नहीं, मुझे उनके ऑफिस जाकर देखना चाहिए। अंकल, मैंने बिल्लू को काम के लिए भेजा था। हाँ, मैंने उसे नौकरी दे दी है। कैसी? वह ऊंची पोस्ट चाहता था तो मैंने उसे छत के पंखे साफ करने वाला कर्मचारी बना दिया। आ,